हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सैफ ट्रेड। चलो अभी मैं देखता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कैसा ट्रेड हुआ और मंडे के दिन हम लोग इसमें कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तो ये आपको एनालिसिस से समझ में आएगा। तो जैसे कि मैं देख पा रहे निफ्टी का 50 मिनट टाइम चार्ट लगा हुआ है और मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था। मैंने अपने कल का लाइव स्ट्रीम बताया था कि BTS हम लोग कॉल होल्ड कर सकते हैं और मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था। तो जैसे कि मैं देख पा रहे मार्केट जो गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, फिर प्राइस यहाँ से फुल रिवर्स हो गया। काफी अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे हमें बाइंग साइड देखने को मिला है, जो कि निफ्टी में 293 पॉइंट के आसपास बाइंग देखने को मिला। तो बात कर लेगा सेटअप की तो निफ्टी में आज कोई भी तरीके का सेटअप नहीं बना था। मार्केट में सिर्फ आज ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट में देखने को नहीं मिला, तो इसमें कोई भी ट्रेड मेरे को इनिशिएट नहीं हो पाया। बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड किया था वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देख लेते हैं कि निफ्टी में हम लोग कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए क्या क्या एनालिसिस है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि आज मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहां पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ने यहां पे हाई लगाया था और यहां पे मार्केट ने स्विंग लो लगाया, फिर यहां से प्राइस ऊपर चला गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बन करके आ रहा है इसे हम हटा लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा बन करके आ रहा है निफ्टी में वो हमारा इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग इसे रिफाइन करेंगे तो हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला आ रहा है, जो कि 13-15 का कैंडल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कल के लेवल की। तो प्राइस अगर हमें कहीं इस लेवल के आसपास मिलता है तो हम लोग यहाँ से प्राइस को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा और फर्स्ट टारगेट हमारा आज का डे हाई का रहेगा और सेकंड टारगेट जो है वो हमारा ये हाई का रहेगा, जो कि 18,064 लगा हुआ है। याद रखिएगा बाइंग हमें तब करना जब प्राइस हमें इस लेवल मिले और स्टॉप लॉस हमारा ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे रहेगा। और बात करेगा सेल साइड की तो सेल साइड का ट्रेड हमें आज का डे लो जब क्रॉस होता है तो हम लोग इसमें सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो यहाँ से भी उठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये स्विंग हायर लो है, तो यहाँ से प्राइस जो है बाइंग में आ सकता है। तो हमें सेलिंग देखना है, इस लेवल के नीचे जब प्राइस जाएगा तो हम लोग इसमें सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। बट अभी जो मोमेंटम चल रहा है मार्केट में वो बाइंग का, तो हमें इसमें बाइंग का ट्रेड ही फाइंड आउट करना होगा। तो ये एनालिसिस निफ्टी का ही देख रहे बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड होता है और हम लोग मंडी में कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम चार्ट लगा, जैसे कि देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में आज 300 पॉइंट प्लस का गैप ओपन हुआ था और यहाँ पे हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग का ट्रेड देखने को मिला है। तो हम लोग सेटअप समझ जाते हैं कि सेटअप क्या था। तो हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग लो लगाया था और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया है और ऊपर जाकर के प्राइस ने इस हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, फिर प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया और यहाँ पे एंट्री वर्स टारगेट जो था हमारा वो इस लो का था और स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के ठीक ऊपर का था। तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड मिला जिसमें 59 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 240 पॉइंट के आसपास का हमारे यहाँ पे टारगेट मिला। तो आइए देख लेते हैं हम लोग मंडे दिन इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं और मंडे के दिन हमारे पास इसमें क्या क्या लेवल्स है। तो हम लोग 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और जैसे कि मैं देख पा रहे हैं मार्केट ने आज काफी तेजी से बाइंग की ट्रेड दिखाई है और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम लोग जो प्राइस में बाइंग तब कर सकते हैं जब प्राइस हमें कहीं इस लेवल पे मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइस को बाय कर सकते हैं। टारगेट जो रहेगा हमारा फर्स्ट आज का डे हाई का टारगेट रहेगा फर्स्ट, एंड सेकंड टारगेट जो हमारा आएगा वो ये स्विंग हाई रहेगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है एंड ये हमारा सेकंड टारगेट है। सेलिंग हमें आज के डे लो के नीचे ही सेलिंग करनी है और बाय हमें इस लेवल पे करना है प्राइस अगर हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंडे के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ भी क्वेरी कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो डेफिनेटली लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।